हेलो ऑल, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बनाने वाले हैं मेथी मलाई मटर की सब्जी, जो कि पंजाब की बहुत फेमस डिश है। अगर आपको रेसिपी अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलो बना लेते हैं मेथी मलाई मटर की सब्जी। मेथी मलाई मटर की सब्जी बनाने के लिए हमने 2 कप मेथी ले ली है। इस मेथी को मैंने अच्छे से छांट लिया है, धोकर काट लिया है। यहाँ पर मैंने 1 कप मटर लिए हैं, मलाई ली है और देसी घी मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ एक अनियन को रफली चॉप करके लिया हुआ है और 3 टमाटर मीडियम साइज़ के मैंने कट कर लिए हैं। 5-6 मैं यहाँ पे गार्लिक क्लोव्स ले रही हूँ। थोड़ा सा अदरक मैंने यहाँ लिया है। 1 ग्रीन चिली को मैंने स्लिट करके लिया है और 1 हैंडफुल 10 से 15 मैंने यहाँ पे कैश्यूज लिए हैं। साथ में जो मैं मसाले यूज़ करने वाली हूँ वो है 1 तेज़पत्ता, दालचीनी, कुछ काली मिर्च और मैंने यहाँ पे 2 छोटी इलायची ली है। साथ में यहाँ मैं ले रही हूँ गरम मसाला, थोड़ा सा हींग, धनिया पाउडर, हल्दी, नमक और मैंने यहाँ लिया है जीरा। तो अब सबसे पहले हम मेथी मलाई मटर की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम मेथी और मटर को थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे। मैंने यहाँ गैस पे एक पैन रख दिया है जिसमें मैंने 2 कप पानी के ऐड किए हैं। अब मैं इसमें मटर ऐड कर दूंगी और साथ में ऐड कर रही हूँ मेथी। इसको मुझे हाई फ्लेम पर 5 मिनट के लिए ऐसे ही पकाना है ताकि आपके मटर और मेथी दोनों ही सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा सा कुक हो जाए। अब मैं इसको एक प्लेट से कवर कर दूंगी। अब दूसरी साइड मैंने एक कढ़ाई रख दी है जिसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून घी, 1 टेबलस्पून जीरा, 1 तेज़पत्ता, दालचीनी, 2 छोटी इलायची और 5-7 काली मिर्च। इसको थोड़ा सा सॉटे कर लेना है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ जिंजर, गार्लिक, स्लिट की हुई ग्रीन चिलीज, अनियन और इसको अगेन हम सॉटे कर लेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ टमेटो। साथ में कैश्यू, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो और हल्दी 1/2 टेबल स्पून। इसको थोड़ा सा मैं सॉटे करने के बाद इसमें 1 कप वाटर ऐड करके इसको ऐसे ही 15 मिनट्स तक हाई टू मीडियम फ्लेम में कुक करूंगी। बाद में हम इसे जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और अच्छे से कुक हो जाएगा तब हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। अब इसकी मीडियम एक बार थोड़ा सा बॉईल कर जाएगा तो हम इसकी फ्लेम को मीडियम पे रखकर कुक कर लेंगे। ये बॉईल होना शुरू हो गया है, मैंने इसको कवर कर लिया। अब मैं 15 मिनट्स तक इसको ऐसे ही कुक करूंगी और उसके बाद थोड़ा सा कूल डाउन होने के बाद हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। मेथी एंड मटर बॉईल होकर रेडी हो गए हैं। मैंने वाटर को स्ट्रेन कर लिया है। अब हमारा मसाला भी ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, मैशी हो गया है। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ब्लेंड कर लेंगे। गैस को कर देंगे हम बंद और मैं जब इसे ब्लेंड करूंगी इसमें से तेज पत्ता निकाल दूंगी और उसके बाद मैं इसे ब्लेंड कर लूंगी। आप देख सकते हो
मेरी ग्रेवी ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो गई है। अब हम कढ़ाई, एक फ्रेश कढ़ाई लेंगे जिसमें मैं एक टेबलस्पून घी ऐड कर दूंगी। जैसे ही ये घी मेल्ट हो जाएगा, मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा हींग, साथ में ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा गार्लिक, इसको मैंने अच्छे से फाइनली चॉप कर लिया है। ऐड कर रही हूँ ये ब्लेंड किया हुआ पेस्ट। मैं ऐड कर रही हूँ गरम मसाला, धनिया पाउडर, आप चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हो। आप देख सकते हो कितना क्रीमी टेक्सचर आया है, बिकॉज हम बना ही मेथी मलाई मटर रहे हैं और इसमें हमने काजू भी डाले हैं। क्रीमी टेक्सचर के लिए हम हमेशा क्रीम का यूज़ करते हैं और साथ में काजू का यूज करते हैं। अब मैं ग्रेवी में ऐड कर रही हूँ मेथी एंड मटर, जिसको हमने ऑलरेडी बॉईल कर लिया था। आपको इसको थोड़ा सा मिक्स करना है एंड इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ ढेर सारी क्रीम। हमारी मेथी मलाई मटर की सब्जी बनकर रेडी हो गई है।